देखिए यहाँ के लोग जो है वो सड़कों पर बैठ करके जो है चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? जो एग्जाम है उसको लेके जा रहा हूँ मैं, उसको रोक रहे हैं ये लोग। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, और उसमें जो वर्गीकरण किया जाएगा उसमें हमारे लोग कहीं ना कहीं फिट नहीं होंगे, तो जो आरक्षण की सीट है वो जनरल में जाएगी। जब से ये संविधान बना है हमारा जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि बाबा साहब ने डायरेक्ट लिखा है, उस समय के 45 और राज्यसभा के आपके जो 245 उनमें सभी का योगदान है। आरक्षण को आर्थिक रूप में कर दिया है। छोटे जाति के लोग सिर्फ गटर साफ करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? इस नियम को वापस ले, अन्यथा एसटीएससी समाज आपकी सरकार गिरा देगी। एक हिंद एक जाति, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 10 दिन के नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है और आप देख रहे तीरंदाज। हम आपको बता दें कि भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ के नेहरू चौक में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग जो है भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और अपनी मांगे को लेकर सड़क कर रहे हैं। जी, किन बातों को लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? हम तो यहाँ जो कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से जो जज बनते हैं, और ये कोलिजियम सिस्टम से जो जज बनते हैं, जज के बेटा, जज के बहू बेटा, ये सब बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में बैठ के ये लोग एसटीएससी लोगों का हक अधिकार खा जाते हैं। लोग खाते क्या है, वही है हमारा आरक्षण जो मिल रहा था, जो बाबा साहब ने इस संविधान में जो दिया है, इस संविधान को खत्म करने के फिराक में है RSS और BJP के लोग। इसमें कोई कोई बोलता नहीं है, इसीलिए ये जो था 21 अगस्त आज भारत बंद का ऐलान जो किया, हम उसका पूरा पूरा सहयोग करते हैं और सुनान करते हैं। क्या करने का है अभी, कैसे करेंगे? नहीं, ये जो है एसटीएससी ओबीसी लोगों को आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ये तो कोलिजियम सिस्टम बंद। आरक्षण तो अभी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये आरक्षण के अंदर आरक्षण दे रहा है। सुनो ना, आरक्षण मिल रहा हमको, बाकी कहाँ पे है आरक्षण? सब तो प्राइवेट हो गया। हमारा 1956 जब से ये संविधान बना है तब से अभी तक हमारा जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है। हमारी एक पीढ़ी भी ढंग से खा नहीं पाई। अभी भी पहले पीढ़ी में है, हम अभी पहली पीढ़ी में है। देखिए, भारत बंद का सर भिलाई के नेहरू नगर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग जो है बड़ी तादाद में रैली निकाले हुए हैं और एक पोस्टर लगाए हुए हैं कि 21 अगस्त 2024 भारत बंद, और वहाँ पर जो पोस्टर में है भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर लगाई गई है। फिर हर लोग यहाँ लगातार डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ आसपास जो भी दुकानें हैं वो सभी बंद कर दिया जाए, और लगातार लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से आवाज़ लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है इनके, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटीएससी के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के लिए ऑर्डर आदेश कर दिया गया, जिसके खिलाफ है हम लोग, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एसटीएससी के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन किया जाए। क्रिमिनल लेयर हमारे आरक्षण में लागू नहीं किया जा सकता, और उसी के विरोध में आज हम भारत बंद का आह्वान किए हैं। देखिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसको हर कोई आसानी से मान लेता है, ऐसे में आप चैलेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे? पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, और केंद्र सरकार इसको बिल लाके इसको कैंसिल करवा सकती है, पर मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। हमको, आपको अगर आदिवासी को सपोर्ट करते हो तो आप सीधा सीधा बिल लाइए और इस नियम को खत्म करिए। तो अभी जो है यहाँ पे किस तरह की रैली निकाली गई है, क्या किया जाना है, क्या होगा, कितने समय? ये समस्त एसटीएससी समाज द्वारा ये भारत बंद का आह्वान किया गया था पूरे प्रदेश भर में। आज हम लोग यहाँ से सतनाम भवन से रैली निकाल के कलेक्ट्रेट जाएंगे। हमारा रैली शांतिपूर्वक है, किसी प्रकार का हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बस भारत बंद का सभी से निवेदन करेंगे कि हमारा सहयोग करें। तो अभी कलेक्ट्रेट जाने की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या बात रखें? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम खत लिखेंगे, लेटर देंगे कि इस नियम को वापस ले, अन्यथा एसटीएससी समाज आपकी सरकार गिरा देगी।
देखिए जो है यहाँ पे लगातार भारत बंद का जो है आह्वान किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर को करा दिया जाए। हम कभी कुछ और लोगों से बात करें, क्या नाम है आपका? जैसे कि हमारा आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है और खत्म कर रही है धीरे धीरे, उस हिसाब से हम जातिवाद खत्म कर दो, जाति खत्म कर दो, एक जाति रहेगा, एक हिंद एक जाति, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन आरक्षण खत्म कहाँ हुआ है अभी? आरक्षण खत्म क्यों होगा, जातिवादी खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक जाति रहना चाहिए, एक देश एक जाति, आरक्षण ही नहीं रहेगा, हम आरक्षण दान में दे देंगे, जातिवादी खत्म करो। तो देखिए जो है ये इनका मांग है कि पूरे देश में एक ही जाति होना चाहिए, लेकिन देखो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था प्रीमियर लेयर को लेकर, इसके बाद जो है जहाँ क्षेत्र में प्रदर्शन या इस तरह के भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें जो लोग हैं आम जनता है उनको भी तकलीफ हो रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? कैसी तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है? जैसे बंद हो रहा है यहाँ पे जो तमाम दुकानें हैं वो बंद करने की बात भी कही जा रही है। हम बंद कहाँ कर रहे हैं, हम तो सहयोग ले रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, हम सभी भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पद हैं, आईएएस है, जज है, सभी में बड़े जाति के लोग हैं और हम छोटे जाति के लोग सिर्फ गटर साफ करने के लिए पैदा हुए हैं क्या, रोड साफ करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमारा भी तो हक है, हम भी तो इंसान है, हम जानवर है क्या? जानवर तो नहीं है ना, तो बराबर का हक मिलना चाहिए ना। देखिए जो है यहाँ पे ये भाई साहब बराबरी की हक को लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम आपको दिखा दें कि कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि पूरा विजुअल के माध्यम से चीजों को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए। देखो कुछ महिलाएं भी हैं और वो संविधान अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तमाम तौर पर रखे हुए हैं, यहाँ कुछ बड़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग सभी तरह के लोग मौजूद है और ये लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ जो है वो किया जाना चाहिए। देखिए क्या नाम है आपका? मैं अशोक कंगाली, अध्यक्ष गोंडवाना समृद्धि समिति रिसाली। देखिए किन बातों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है? ये अभी जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आरक्षण में आरक्षण और क्रीम लेयर, इसके विरोध में हमारे प्रदर्शन है। तो ये प्रदर्शन किस तरह से करने वाले हैं, कितना बजे से चालू और कहां तक क्या करेंगे? ये प्रदर्शन सुबह 9 बजे सतनाम भवन सेक्टर 6 से शुरू हुआ, वहां से गड़ी चौक सुपेला नरेंद्र नगर, उसके बाद दुरुग होते हुए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपे, माननीय राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम वहाँ ज्ञापन सौंपा जाए। लेकिन कहीं कहीं ये भी बातें कही जा रही है कि दुकानें बंद किया जाए या तमाम तरह के जो पब्लिक चीजें हैं। एक है व्यापारी संघ से हमने अपील किया है कि हमारा समर्थन कर दी, तो जो समर्थन में बंद करता है उनका स्वागत है, जो नहीं करता है कोई बात, हम अपना शांतिपूर्वक रैली, ये संयुक्त मोर्चा है, एसटी और एससी दोनों समुदाय का संयुक्त मोर्चा है। देखिए यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो मौजूद है और ये लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि भारत बंद होना चाहिए, लगातार अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो और बल्कि आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है, हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे होने के कारण हमको आरक्षण दिया गया है। एसटीएससी एक्ट संयुक्त मोर्चा, हम पूरे भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और पूरा हम एसटीएससी आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारे मांगे पूरी रहे। सभी का मतलब गांव की विधायिका एक ग्राम सभा होती है, लोकसभा भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन हमारी ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि इसका दर्जा पार्लियामेंट के ऊपर है।
देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है जिसके बाद जो है आप सड़कों पर उतर चुके हैं? हाँ, वो हमारे आरक्षण को बार बार अभी भी नहीं, वो 20 मार्च 2018 को भी किए थे, तो हमने भी 2 अप्रैल 2018 में हमने मांग पूरा एटीएससी का लड़ाई लड़े थे, एटोसिटी एक्ट बंद करने के लिए उस समय में किए थे, लेकिन हमारा आरक्षण अभी भी हमको समानता का शिक्षा का अधिकार नहीं मिला हुआ है। आज भी हमारे साथ शोषण अत्याचार अन्याय होते आया है, इसलिए हम सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग रंग बिरंगे झंडे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों को लेकर लगातार एक विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण जो है खत्म नहीं होना चाहिए और तरह तरह की नारेबाजी इनके द्वारा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पीछे एक तरफ जहां सामने रैली निकली हुई है, वहीं दूसरी ओर कई किलोमीटर तक लंबी गाड़ियां खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? कल्पना गजबी। किन बातों को लेकर क्या हुआ है कि आप सड़कों पर? ये के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिगत वर्गीकरण, मतलब एक जाति में और निचली जातियों को और वर्गीकृत किया गया, उसी लिए हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए। क्या करना है, क्या हो सकता है, किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको हम वापस लेने के लिए अपील करने आए। किन से अपील करेंगे? अभी जो नाराबाजी किया जा रहा है, साथ ही साथ अभी और किसी से मिलने का कुछ है? अभी दुर्ग कलेक्टर जाके उन्हें राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा पूरे जन समूह द्वारा। क्या नाम है? मैं जयश्री बोध, महिला सशक्तिकरण संघ जिला दूर की अध्यक्ष हूँ। जिला दूर की, देखो जो है कितनी लंबी लाइनें लगी है, काफी लोग आप लोग के साथ में है, ऐसे में क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST आरक्षण पे क्रिमिलियर और वर्गीकरण जो किया है, तो हम केंद्र सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि ये जो आदेश है इसको वापस लो, हमें ये मंजूर नहीं है। तो उसमें ऐसा क्या क्लॉज जोड़ा गया है कि? देखिए जो SC ST का जो आरक्षण है उसमें क्रिमिलियर लागू कर दिया गया है और उसमें जो वर्गीकरण किया जाएगा उसमें हमारे लोग कहीं ना कहीं फिट नहीं होंगे, तो जो आरक्षण की सीट है वो जनरल में जाएगी। और अभी तक जो SC ST का जो कोटा है वो कंप्लीट नहीं कर रही है केंद्र की सरकार, तो ये क्रिमिलियर लाकर हमको तो ऐसी भी गर्त में है, तो जातिगत बंद करे फिर आरक्षण खत्म करे। मतलब ये है कि जातिगत जो जातिवाद है वो बंद कर दो और आरक्षण खत्म करो, क्योंकि इक्वालिटी के लिए आरक्षण है ना, इक्वालिटी के लिए आरक्षण है। और ये जो वर्गीकरण आया है इससे जो हमारे बच्चे है इनको कहीं ना कहीं नुकसान है, हमारे बच्चे ऐसी बेरोजगार है, तो जो केंद्र सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमें मंजूर नहीं है, इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इतने लोग। लेकिन मैम कई बार दूसरे पक्ष के भी जो लोग हैं जैसे स्वर्ण और अन्य है समान के, वो भी एक मांग करते हैं कि हमारे भी बच्चे गरीब हैं, हमको भी नहीं मिल पाता है। भाई देखिए EWS 10% ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो 9 अगर पूरा अगर SC ST OBC का अगर हम रिजर्वेशन देखते हैं तो 49% रिजर्वेशन है, 51% रिजर्वेशन उन्हीं को है, उसमें भी 10% उन्हीं को और दिया गया है, तो हम कहाँ है? ऑलरेडी रिजर्वेशन तो उन्हीं को है ना। देखिए यहाँ के लोग जो है वो सड़कों पर बैठ करके जो है चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपनी जो भारत बंद का है वो आह्वान किया जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? क्या मैं चंद्रशेखर गवई पार्षद MIC मेंबर नगर पालिका निगम भिलाई। जी तो देखिए किन बातों को लेकर आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? केंद्र की सरकार जो आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ कर रही है इसके विरोध में आज पूरा भारत देश बंद है, इसीलिए आज सारे SC ST OBC के लोग सड़कों पे उतर कर केंद्र सरकार की गलत नीति और आरक्षण के विरोध में आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या क्लॉज निकला था जी? सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिलियर की जो बात की है, जाति में जाति बांटने का जो काम किया है, इसके विरोध में आज ये सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? सुबह एग्जाम है उसको लेके जा रहा हूँ मैं नागपुर से, उसको रोक रहे हैं ये लोग।
देखिए ये बच्चे का कौन से क्लास में बच्चे हैं? ट्वेल्थ में है, एक नाइन्थ में, एक सेवन्थ में। देखिए बच्चे जो है एग्जाम में है, इनको रोकने का जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, तो फिलहाल हम कोशिश करते हैं भाई साहब से बात करने की कि इनको कम से कम रास्ता दे दिएगा। देखो बच्चे का एग्जाम है बता रहे हैं, उनके जाने दिया जाए। बच्चों का एग्जाम है बता रहे हैं, उनको जाने दो। बच्चों का एग्जाम है बता रहे हो, अपने साथ में बच्चे रखे हुए हैं, उनको जान देगा क्या? उसको नहीं जान देगा ना जी। हमारा संविधान चालू कर दो जल्दी से, नहीं तो हफ्ता भर का टाइम है, 10 दिन का। 10 दिन का नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन में बंद जो संविधान का जो क्लॉज जोड़ा गया है अगर उसको वापस नहीं लिया जाता तो ये 10 दिन बाद जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। सड़की मुद्दों के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था और अभी दुर्ग शहर में इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी मात्रा में एसटीएससी वर्ग के लोग मौजूद है और नेशनल हाईवे पर जो है ये चक्का जाम की स्थिति बन चुका है और ये लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि एसटीएससी का नारा है, संसद सड़क हमारा है, तमाम तरह के ये पोस्टर और बैनर रखे हुए हैं। एक और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ जो लोग हैं वो भीड़ जमा किए हुए हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक व्यवस्थाएँ बंद हो चुकी है। वहीं अभी जो है मेरे सामने से एक एम्बुलेंस आ रही है, ऐसे में भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे एम्बुलेंस को जो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल हम आपको व्यवस्था के बारे में बताएं तो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जो है बंद हो चुका है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान के अनुच्छेद के 30 में तथा विधानसभा में संविधान के एसटीएससी वर्ग के द्वारा भारी संख्या में रैली निकाली गई है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्टोरेट परिसर के पास मौजूद है और यहाँ जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। कलेक्टोरेट परिसर के सामने जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है और एसडीएम के द्वारा इनकी मांग पत्र को लिया जा रहा है। आज भारत बंद सारे देश में इस महारैली के रूप में सारा पूरा परिवार भीम आर्मिनी सभी सामुदायिक समाज के लोग उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। एसटीएससी का जो भी प्रकरण है उसको सवाल किया जाए, उसके क्या प्रकरण है, किस तरह के आरक्षण का है, आरक्षण का है, उस उपलक्ष्य में आज किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं, आप दिखा देंगे बहुत बड़ी धन्यवाद है आप। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें ए टू जेड चीज दिखाते हैं, हमारा दायित्व मत लीजिएगा आप, अन्यथा मत लीजिए। ऐसे बहुत बड़े मीडिया वाले लोग आते हैं ना, किसी ने आज भारत बंद का नेशनल में भी किसी ने नहीं दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया है? इतना बड़ा नहीं, सभी जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं पूरे भारत के लोग, है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी मरकाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर्वाधिक समाज जिला दुर्ग युवा प्रभार का। अच्छा क्या बात था कि जिसके वजह से जो है आप एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दिन पहले जो जजमेंट आया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, मतलब आरक्षण के अंदर भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसी को, जो 32% मान लो यहाँ पे आदिवासी मिल रहा है तो उस आदिवासी में जो 42 जनजाति है, किसी जनजाति को 2%, किसी को 1%, किसी को 3%, इस प्रकार का जो 32% आरक्षण है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का, और उसी प्रकार
जो SC वर्ग का जो आरक्षण है, जो भी यहाँ पे 16% है उसको भी, उसमें जितनी भी जो जातियाँ हैं उसको भी 1%, किसी 1.5% इस टाइप का जो बांटने का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है जजमेंट जो है, उसके विरोध में आज यहाँ पर जो आदिवासी समाज है और SC वर्ग जो समाज है, दोनों संयुक्त मोर्चे में के साथ, इसी के साथ OBC समाज का जो समर्थन मिला है और माइनॉरिटी समाज के साथ, कि हम इस जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके विरोध में हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध करते हैं। साथ ही साथ लगातार जो 10 साल से दलित और आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है इस जो केंद्र की सरकार के द्वारा, लगातार हमारे यहाँ किसी बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है और उसका मेन स्ट्रीम जो मीडिया है हमारा, आप जैसे YouTube मीडिया में तो हमारा दिखाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया है आज का, वो बिल्कुल उस चीज़ों को कवर नहीं करता है। आज जैसे बांग्लादेश को कवर कर रहा है लेकिन मणिपुर को कवर नहीं कर रहा है। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, वहाँ पे हमारी बहनों को नग्न कर कर घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है। जैसे हाथरस का कांड है और बहुत सारे, अभी कल ही कह रहे थे कोई एक बलात्कारी को वो पेरोल दिया जा रहा है, जबकि चिन्मयानंद और ऐसे कई बलात्कारी हैं जिनको पेरोल दिया जा रहा है। और वहीं पे कुछ ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर जो बलात्कारी है उनको छूट दिया जा रहा है, उनको कोर्ट से न्यायालय से उनको रिहा किया जा रहा है। तो क्या ये दोहरा नीति जो BJP सरकार की जो लगातार पिछले 10 साल में जो बहुजन समाज है, जो वंचित समाज है, आज अभी आप देखोगे कि 45 जो लिटरल जो भर्ती कर रहे हैं IAS की, हम एक बच्चा जो है IAS बनने के लिए, मतलब उसको अपर सचिव बनने के लिए 30 साल की कलेक्ट्री करेगा, तब वो जाके मंत्रालय में सचिव बनता है। आप उस सचिव बनने के लिए आप डायरेक्ट भर्ती कर दे रहे हो, डायरेक्ट नियुक्ति कर दे रहे हो आप। तो जो IAS जो है, अगर उस 45 पोस्ट को अगर आप UPSC के तहत लाते तो हो सकता है उस 45 में 3 पोस्ट आदिवासी जाता, 6 पोस्ट दलित को जाता और हो सकता है 15 पोस्ट OBC को जाता, ऐसे करके उस 45 पोस्ट में बटता वो 45 पोस्ट। लेकिन आपने क्या किया, आपने RSS के लोगों को उठाकर सीधा सीधा वो 45 पोस्ट किया। कहाँ हुआ है वैसा? लगातार हो रहा है, पिछले 10 साल में लगातार भाजपा सरकार भर्ती कर रहा है, क्योंकि RSS और अपने चाहने वालों को BJP सरकार, मोदी सरकार जो उनका खास नुमाइंदा है, उन लोगों को लगातार भर्ती किया जा रहा है पिछले 10 साल से। और चूंकि इस बार अल्पमत की सरकार है, इसलिए जो साथी है उनके, आप राम विलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान, वो भी आज इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप 45 पोस्ट को जैसे डायरेक्ट भर्ती कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो लोग हैं अब खोलकर विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए, कहीं कहीं एक बात भी आती है, जैसे संविधान आया है, हम सबको मानना पड़ता है, देश के हम लोग हैं और संविधान के हिसाब से ही चलती है। लेकिन कहीं कहीं ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है कि लोग संविधान हाथ में रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ऐसे क्या कहना चाहेंगे? संविधान का जिस प्रकार आज देखते हैं देश में गीता भगवत जितने भी जो धार्मिक पुराण है उसका प्रचार होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार क्यों संविधान का प्रचार नहीं करता है? क्यों आप इसको जरूरी एक सब्जेक्ट के रूप में आप इसको लागू करिए कि एक स्कूल से लेकर आप 12वीं तक, और 12वीं के बाद आपको जो 3 साल का ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पर संविधान को पढ़ाया जाए। इस देश का सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि संविधान को नहीं पढ़ाया जाता जितनी धार्मिक किताबों को पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ लोग संविधान की जो आर्टिकल है उसको याद नहीं रखते हैं, सिर्फ नाम मात्र का रहता है कि संविधान संविधान की बात होती है। इस पूरे चुनाव में संविधान की बात हुई, कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे जो सरकार की जो मंशा रही है कि वो लोगों तक संविधान को पहुंचने देना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर संविधान को पढ़ेंगे, अपने राइट्स को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तो लोग उस अधिकार के तहत अपनी बातों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे लोग। और यही सरकार नहीं चाहता है कि लोग अपने राइट्स को जाने, आपके अधिकार को जाने, इसलिए वो संविधान को सही मायने में जो इस देश में प्रचार होना चाहिए वो संविधान का नहीं हो पाता है। हम तो कहते हैं कि स्कूलों की किताबों में अनिवार्य कर देने चाहिए संविधान को, स्कूल और कॉलेजों। एक प्रश्न आता है कि संविधान कब बना था और संविधान के बारे में आप कुछ? जी जी, संविधान आपको 1950 तैयारी जो है 1947 के बाद से लगातार चल रहा था और 2.5-3 साल लगे थे इसको इम्प्लीमेंट जब किए तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ इस देश पे। और इस पर लगभग बहुत सारे लोगों ने, हम ये नहीं कहते कि बाबा साहब ने डायरेक्ट लिखा है, उस संविधान सभा जो चला, जो 2.5-3 साल जो वहाँ पे मंथन हुआ है, उस पर जितने हमारे 500 उस समय के 45 और राज्यसभा के आपके जो 245 उनमें सभी का योगदान है। क्योंकि जब संसद में चर्चा हुई चली ही संविधान सभा के, तो सब अपने अपने राय अपना अपना मत रखते थे और उस सभी के, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी को हो, उन सभी के योगदान से ये संविधान बना
और ये बहुत बहुमूल्य संविधान बना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, जिसके कुछ तथाकथित लोग इस संविधान का विरोध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान कॉपी किया है, ये क्या, हम तो कहते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान में जो है कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जो जो नियम कानून है या जो धाराएं हैं वो उतना सख्त नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस पर क्या, इस संविधान में आप 75 सालों में इतने बार संशोधन हो चुके हैं, जो कहते हैं उनको शायद खुद नहीं पता है कि कितने बार संशोधन हो चुका है। इस संविधान में कंटिन्यू लगातार जहाँ पे लगा कि संशोधन होना चाहिए वहाँ पे संशोधन किया गया है। कुछ लोग संशोधन का भी विरोध करते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब उनकी मानसिकता क्या है वो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जो संविधान में जो आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल है, जैसे आज कहा गया कि आरक्षण पर आरक्षण दिया जाए, आप नहीं कह सकते इसको आरक्षण, क्योंकि ये समाज आज भी वंचित समाज है। इस समाज के आप आईएएस की जो कैटेगरी देखोगे तो आप कितने दलित हैं आज तक, कितने ओबीसी बने हैं, और आज इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम कॉरपोरेट है, उन कॉरपोरेट पे कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटी है, की बात, हाँ, इसकी अगर जनगणना की जाए तो ये समाज आज भी बहुत पिछड़ा समाज है। और हम यही करते हैं कि जो मेन ढांचा है संविधान का, उस पर छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर वहाँ पे छेड़छाड़ किया जाएगा तो बिल्कुल ये बहुजन समाज सड़क पर आकर आंदोलन करेगा। देखिए जो है ये अपनी बात रख रहे हैं कि संविधान में कुछ जो है परिवर्तन होना चाहिए और लगातार इसमें संशोधन होता है, लेकिन मूल ढांचों के साथ जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ के एसटीएससी लोग कह रहे हैं। फिर हम आपको बता दें कि एसटीएससी का विरोध प्रदर्शन जो है ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, ये अपना ज्ञापन यहाँ के एसडीएम को सौंप चुके हैं, और पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो है एक बड़ा बैरिकेडिंग लगाया गया है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक, तीरंदाज।